सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हेमंत सोरेन फिलहाल अपने घर पहुंच चुके हैं। राजभवन गए थे मुलाकात करने के लिए राज्यपाल से, जहां उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। साथ ही उनके जेएमएम के तमाम विधायक और कांग्रेस के और आरजेडी के जो नेता हैं वो मौजूद थे, और 5 नेताओं ने मुलाकात की जिसमें हेमंत सोरेन भी थे। उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है राज्यपाल को, और साथ ही ये दावा भी पेश किया गया कि नई सरकार का गठन किया जाए और चंपई सोरेन उस नई सरकार के मुखिया होंगे, यानी मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन इस मुलाकात के बाद अब सीधे हेमंत सोरेन अपने आवास पर पहुंचे हैं। एक बार फिर रुक करते हैं मेरे सहयोगी कामरान जलीली का। कामरान, जरा बताइएगा, ये जानकारी तो निकलकर सामने आ रही है कि हेमंत सोरेन अपने घर पहुंच चुके हैं, लेकिन ईडी के अधिकारी क्या अभी भी उनके साथ होंगे, क्योंकि हिरासत में है हेमंत सोरेन, आगे भी उनसे पूछताछ जारी रहनी है? बिल्कुल, देखिए, अगर मुख्यमंत्री को डिटेन किया गया है और उनकी गिरफ्तारी से पहले ईडी के अधिकारी चाहेंगे कि उनसे तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब लिए जा सकें, और क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को से जब ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे थे उस दौरान 6 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया था, लेकिन ज़्यादा सवालों के जवाब ईडी को नहीं मिल पाए। शायद यही वजह है कि ईडी ने उन्हें जब डिटेन किया तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए राजभवन पहुँचना पड़ा, और मुख्यमंत्री ने जब इस्तीफा दे दिया, अंदर राज्यपाल ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया, अब मुख्यमंत्री को लेकर ईडी के अधिकारी उनके ही आवास पहुंचे हैं। और जो जानकारी मिली है, हालांकि ये आधिकारिक नहीं है, लेकिन जानकारी मिली है कि ईडी के अधिकारी उनसे उनके आवास में ही पूछताछ करेंगे। और जो कैंप जेल बनाने की बात सामने आई थी कि जो दीनदयाल नगर में कैंप जेल तैयार किया गया है जहां मुख्यमंत्री को रखा जाएगा, तो ये चीजें तमाम जो है वो कंक्रीट नहीं है। अभी थोड़ी देर के बाद चीजें और भी स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री जो जानकारी मिली है, यानी हेमंत सोरेन अभी अपने आवास पर हो चुका है कि ईडी के सवाल जवाब के बाद अब हेमंत सोरेन का इस्तीफा हो चुका है। और जितेंद्र शर्मा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन दर्शकों के लिए यह जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर यह कौन सा मामला है जिसमें हेमंत सोरेन को ईडी के सवाल जवाब के बाद इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि जिस जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हेमंत सोरेन की कुर्सी चली गई और गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। आखिर वो घोटाला है क्या, यह भी आपको बता देते हैं। तो देखिए, हेमंत सोरेन के खिलाफ चल रहे जमीन घोटाले में कार्रवाई का मामला सेना की जमीन से खरीद बिक्री को लेकर जुड़ा हुआ है। इसमें फर्जी नाम पते के आधार पर जमीन की खरीद और बिक्री हुई थी, और इस मामले में रांची नगर निगम द्वारा केस दर्ज करवाया गया था। ईडी ने इसी केस के आधार पर जांच शुरू की, और इस पड़ताल के बाद, ईडी की जांच के बाद 7.16 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री का खुलासा हुआ। यानी यह सामने आया कि 7.16 एकड़ जमीन खरीदी गई, सेना की जमीन थी, और इस मामले को लेकर शिकायत रांची नगर निगम ने दर्ज कराई थी। मामले में अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, और जिसमें 2011 बैच के एक आईएएस अधिकारी छवि रंजन का नाम भी शामिल है, जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम हेमंत सोरेन को 10 बार समन भेज चुकी थी, और 8वें समन के बाद हेमंत सोरेन इस मामले में पहली बार पूछताछ के लिए राजी हुए थे, और यह तारीख थी 20 जनवरी को। यानी 20 जनवरी को ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन से करीब 7 से 8 घंटे की पूछताछ की थी। उनके आवास पर ईडी के अधिकारी पहुंचे थे, और सवाल यह है कि सीएम हेमंत सोरेन का नाम आखिर इस घोटाले में आया कैसे। तो देखिए, यह भी आपको बता देते हैं कि आखिर हेमंत सोरेन इस पूरे मामले में कहां और कैसे फंस गए। तो इस कथित जमीन घोटाले में पिछले वर्ष अगस्त में ईडी ने प्रेम प्रकाश नाम के शख्स को अरेस्ट किया था। प्रेम प्रकाश के नाम के इस शख्स को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफी करीबी माना जाता है। प्रेम प्रकाश को ईडी ने अवैध खनन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था, और अवैध खनन घोटाले में सीएम सोरेन से ईडी पूछताछ पहले कर चुकी है। और इसी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि प्रेम प्रकाश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का करीबी है और आपराधिक कमाई में शामिल रहा है, और यही सारा मामला यानी प्रोसीड ऑफ क्राइम का है, और इसीलिए हेमंत सोरेन अब सांसद में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिर इस घटनाक्रम का बैकग्राउंड क्या है, यह हमने आपको बताया, लेकिन ताजा घटनाक्रम भी आपको बता दें। सीएम के तौर पर हेमंत सोरेन का इस्तीफा हो चुका है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उनका इस्तीफा स्वीकार कर चुके हैं, और साथ ही नई सरकार के नेता के तौर पर चंपई सोरेन का चुनाव भी हो चुका है। कामरान जलीली लगातार रांची से रिपोर्ट कर रहे हैं, साथ ही जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। राजभवन के बाहर हलचल फिलहाल ढलती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब सारी नजरें राज्यपाल पर इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि राज्यपाल को न्योता देना है। चंपई सोरेन के नाम पर दावा जरूर पेश किया जा चुका है, लेकिन राजभवन से क्या कुछ संकेत, कब बुलाया जा सकता है चंपई सोरेन को शपथ ग्रहण के लिए?
बिल्कुल देखिए 7:55 का वक्त था तब जब तमाम जो विधायक हैं उन्हें राजभवन पहुंचना था और 8:05 के आसपास राजभवन पहुंचते हैं तमाम विधायक और महज 5 से 6 मिनट के अंदर वापस बाहर आ जाते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री की गाड़ी अंदर जाती है और जब विधायकों से बात हुई तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि कुछ कन्फ्यूज़न हो गया, पहले आना मुख्यमंत्री को था लेकिन पहले वो पहुँच जाते हैं इसीलिए उन्हें वापस भेज दिया गया, लेकिन इस बात को लेकर उन्होंने स्पष्ट मैसेज दिया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा देने के लिए। बिल्कुल कामरान, मैं रोकना चाहूंगा आपको, ये ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं उस वक्त की जब हेमंत सोरेन अपने घर पहुंचे, तो देखिए वाहनों का काफिला किस तरीके से हेमंत सोरेन के घर पहुंचा है। अभी फिलहाल इन तस्वीरों में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या ईडी के अधिकारी भी इनके साथ मौजूद हैं, कौन से वाहन के अंदर ईडी के अधिकारी हैं, क्या उसी वाहन में जिसमें हेमंत सोरेन बैठे हुए हैं क्या ईडी के अधिकारी भी उनके साथ उसी वाहन में मौजूद हैं। और हमने आपको कुछ देर पहले ही ये खबर सबसे पहले बताई थी कि हेमंत सोरेन राजभवन से निकलकर सीधे अपने आवास पर पहुंचे हैं और ऐसे में ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि राजभवन से निकलने के बाद हेमंत सोरेन अपने घर भले ही पहुंचे हों लेकिन अभी ईडी की पूछताछ खत्म नहीं हुई है। ईडी के अधिकारी उनसे और सवाल जवाब कर सकते हैं। आज 6 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हेमंत सोरेन से हो चुकी है और ईडी के अधिकारी अब भी उनसे पूछताछ कर सकते हैं। एक बार फिर रुक करेंगे, मेरे सहयोगी कामरान जलीली लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। कामरान, तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई कि किस तरीके से वाहनों का काफिला हेमंत सोरेन के घर पहुंच चुका है लेकिन अभी भी सवाल जवाब बाकी। जी बिल्कुल, देखिए 6 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका और जब ईडी ने हेमंत सोरेन को डिटेन किया उसके बाद जो नई जो तैयारियां देखने को मिली थी, जब जो विधायक थे वो यहाँ पहुँचते हैं और विधायक के पहुँचने के बाद हेमंत सोरेन यहाँ पहुँचते हैं, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते हैं और इस्तीफा दिए जाने के बाद जब मिथिलेश ठाकुर जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गवर्नमेंट में वो मंत्री रहे थे उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि राजभवन वो पहुँचे थे लेकिन राजभवन 5 लोगों को बुलाया गया था इसलिए वो वापस लौट चुके हैं, अब इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री राजभवन से मिलने वाले नेता का। यानी नेता चुना जा चुका है, विधायक दल का नेता चंपई सोरेन होंगे लेकिन वो शपथ कब लेंगे या फिर सरकार बनाने के लिए जो कवायद है वो कब राजभवन की तरफ से इन्हें भेजी जाती है उसके बाद आगे की प्रक्रियाएं बढ़ पाएंगी। लेकिन साफ तौर पर अभी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया और चंपई सोरेन के नाम पर सहमति बनी है लेकिन वो शपथ कब लेंगे इसके लिए थोड़े वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। कामरान, आज इस तैयारी के साथ जेएमएम और महागठबंधन के जो तमाम विधायक पहुंचे थे उससे तो ऐसा लग रहा था कि आज वो शपथ लेने की भी तैयारी से पहुंचे हैं, एक शक्ति प्रदर्शन की तैयारी के साथ पहुंचे थे लेकिन राज्यपाल ने शक्ति प्रदर्शन से इनकार कर दिया।